हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इंग्लिश एग्जाम विद एस एस में लास्ट क्लास में हमने चार्ल्स डिक्कन्स के बारे में कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे उनका इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें आपके लाइफ कॉजेस एंड वर्क और ऑनर्स के बारे में हमने पढ़ा था तो चार्ल्स डिक्कन्स के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं चार्ल्स डिकन्स एक ऐसे पोइट थे एक ऐसे नावलिस्ट थे जिनको उनके लाइफ में ही जब वो वैन ही वॉज अ उसी समय उन्हें प्रसिद्धि मिल गई थी और ये चीज़ शेक्सपियर को भी नहीं मिली थी तो ये इससे रिलेटेड मैं टॉपिक बना चुका हूँ आप उसमें देख सकते हैं इसका सेकेंड पार्ट है जो कि इनके जो वर्क हैं वर्क एट ग्लांस यानी जो भी उन्होंने वर्क किया हम बहुत ही छोटे उसमें देखेंगे ताकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी ना हो और बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में तो हमने कोशिश की है कि वो जल्दी से सॉर्ट आउट की जा सके वीडियो बड़ी ना बने इसलिए हमने इसको काफ़ी शॉर्ट में करने की कोशिश की है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ओके चार्ल्स डिकन्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं देन इन इन स्टार्टिंग वी रेड अबाउट द चार्ल्स टिकन दैट ही वॉज अ विक्टोरियन एज पॉइंट्स सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ विक्टोरियन एज देखिए विक्टोरियन एज या विक्टोरियन लिटरेचर एक ही कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं इसका मतलब एज ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया का जो रेन था यानी कि जो वो लंडन में जब थी इंग्लैंड में तो उनका जो रेन था वो था 1837 थर्टी सेवन से uh, नाइनटीन तक तो इतने दिन तक वो वहाँ पर एज अ क्वीन के पोस्ट पे रही थी तो उस बीच में जो भी लिटरेचर लिखे गए जो भी पोइट का बर्थ हुआ उस एज को हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं और यही वो एज था जिसमें इन रोमांटिक पोइट्री की स्टार्टिंग हुई लिटरेचर पोइट्री की स्टार्टिंग हुई लिटरेचर ड्रामा जो एक्चुअल में जो आज हम लोग पढ़ते हैं उसकी स्टार्टिंग हुई तो ये आपका है विक्टोरियन एज नेक्स्ट है उसमें हमने पढ़ा था कि चार्ल डिकेंस ने जो उनको प्रसिद्धि मिली थी जिससे वो फेमस हुए थे वो क्या था पिकविक क्लब तो पिकविक क्लब एज वी नो दैट इट वॉज रिटर्न इन एटीन थर्टी सिक्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ एक्सपीरियंस फील बाई सैम्यूल पिकविक देखिए इसमें जो प्रो, प्रोटोगानिस्ट है प्रोटोगानिस्ट मीन्स जो एक्टर यानी कि जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है सैमुअल पिकविक। और उनकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो उनके थ्री फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट होती है मींस कि वो अपने तीन दोस्तों के साथ अलग अलग प्लेसेस में जाते हैं और लाइफ के अलग अलग स्टेज को और अलग अलग पार्ट्स को वो एक्सपीरियंस करते हैं उस एक्सपीरियंस को वो अपने डायरी वगैरह में लिखते हैं सो so, ये इसकी शॉर्ट इंट्रो है कि पिकविक क्लब में ये चार्ल्स सिकिंस ने मैंशन किया था और इसके टू पार्ट्स बनाए थे चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑलिवर ट्विस्ट ओलिवर ट्विस्ट लिखा गया था 1837 में कब लिखा गया था 1837 में और इसमें स्टोरी ऑफ अ यंग ऑरफन देखिए ओलिवर ट्विस्ट जो था एक यंग ऑरफन था मीन्स की एक अनाथ बच्चा था जो कि काफ़ी यंग था और हु बिकेम ट्रेनी इन अ कंपनी ट्रेनी के लिए हम अप्रेंटिक्स वर्ड यूज करते हैं आप पी में देख लेंगे उसमें अप्रेंटिक्स लिखा हुआ है तो बिकेम ट्रेनी इन अ कंपनी आफ्टर फाइट टू हिज बॉस उनके बॉस से कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा लंडन में वी आर ई स्टार्ट न्यू लाइफ और वहाँ जाके वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं कौन ओलिवर ट्विस्ट हो क्लियर होगा कि ओलिवर ट्विस्ट की एक प्रॉब्लम हो जाती है एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उनके बॉस के साथ फिर वो जाके क्या करते हैं लंडन में न्यू लाइफ अपनी जाके शुरू करते हैं देखिए कन्फ्लिक्ट क्या है ये आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कन्फ्लिक्ट एक्चुअल में यही कन्फ्लिक्ट है कि उनका जो पास्ट है बार बार सामने आता है देखिए पर्सनली अगर देखा जाए तो ये समझ नहीं आती बात कि लोगों को उनके प्रेजेंट क्यों नहीं देखते हैं पास्ट से क्या करते हैं वेरी बैड थिंग बहुत से सही पर्सन भी हैं जो ये चीज़ किसी को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं किसी को कन्वेंस नहीं कर पाते हैं। नहीं वो पर्टिकुलर पर्सन सही है बस वो उसी फ्लो में बहना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो गलत है तो गलत है इट इज़ वेरी बैड वी शुड अवॉइड एंड इग्नोर ऑल दिस थिंग्स इफ़ वी वॉन्ट टू ग्रोथ अवर कंट्री ग्रोथ आवर सोसाइटी एंड ग्रोथ आवर फैमिली ओके नाउ वी कम्पर टॉपिक क्रिसमस कैरल क्रिसमस कैरोल रिटर्न ऑन एटीन थर्टी सॉरी एटीन फोर्टी थ्री और प्ले दैट इंडिकेट्स ये एक प्ले था जो कि एक सेल्फिश पर्सन को इंडिकेट करता था किसे करता था सेल्फिश पर्सन को इंडिकेट करता था जिनका नाम था एबेंजर स्क्रूज एबेंजिर एबेनेजिर जो भी प्रोनाउंसिएशन है एबनजीर जो थे वो एक सेल्फिश पर्सन थे हु हेट्स टू सेलिब्रेट क्रिसमस इनको क्रिसमस जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और वो कहीं पे डोनेट नहीं करते थे ऑल्दो ही वॉज अ रिच पर्सन स्टिल ही डिडेंट बिलीव इन टू डोनेट एनी थिंग एंड टू हेल्प अ नीडी पर्सन ऐसे रिच पर्सनस ही होते हैं जो किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हैं अदरवाइज पूरा तो हमेशा चाहते हैं कि किसी की हेल्प हो गमेंट स्टाफ खास करके नहीं चाहते किसी की हेल्प हो चलिए टॉपिक पे आते हैं um, हिज नैफ्यू इज इन्वाइट्स अब उनके जो नेफ्यू होते हैं वो उनको इन्वाइट करते हैं क्रिसमस कैरोल के लिए क्रिसमस कैरोल इट मीन्स कि क्रिसमस इवनिंग के लिए वो उन्हें इन्वाइट करते हैं बट ही रिफ्यूज इट उनको इस बात से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं भाई आई विल नॉट कम मैं नहीं आऊँगा तो कुछ इसमें इंसिडेंट होते हैं जो लास्ट में उन्हें पता चलता है कि नहीं यार ये चीज़ भी हमारे लाइफ का एक जरूरी पार्ट है तो वो एंड इसका काफ़ी अच्छा किया गया है इसके लिए आप पीडीएफ में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इसका एंड क्या हुआ है चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ग्रेट वन ऑफ़ द मोस्ट अवेटेड नॉवल ऑफ चार्ल्स चार्ल ग्रेट एक्सपेक्टेशन रिटर्न इन 1861। 1861 में लिखा गया था एक लड़का था जिसका नाम था पिप क्या नाम था पिप हु इज ऑर्फन देखिए चार्ल्स टिकन्स ने ज्यादातर चीजें ऑर्फन अपने जो कैरेक्टर बताए हैं वो ऑर्फन इसके ही बताए हैं और होमलेस को बताए हैं तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर ऑर्फन है या होमलेस है या उसकी फैमिली नहीं है तो ही कॉन्ट डू एनी थिंग मे बी वो बहुत कुछ कर सकता है तो ऐसा उन्होंने क्यों लिखा क्योंकि चार्ल्स टिकन्स ऑल्सो बिलोंग टू अ फैमिली बट हिज फादर हैड बीन सेंड टू अजन एज यू नो दैट आई हैव डिस्कड डिस्क इन लास्ट वीडियो कि उनके फादर को वहाँ भेज दिया गया था जेल में क्योंकि उन्होंने बहुत सारा लोन ले लिया था इसकी वजह से उनको भेज दिया गया था वहाँ पर तो इन दैट टाइम ही हैड टू लीव हिज स्टडी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसके बाद आप तो खैर जानते हैं ये वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं दोबारा देख लीजिएगा हम फिलहाल इस पर कर रहे हैं वर्क एट ग्लांस पर डिस्कस कर रहे हैं हु इज अ ऑफन बिकम्स अ रिच पर्सन और इसमें जब पिप होता है एक दिन रिच पर्सन बन जाता है देखिए हर छोटे का दिन आता है ठीक है ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी का वही है पास्ट अगर हम किसी के पास्ट की बात करें तो ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आप पास्ट के लेकर उसके प्रेजेंट या फ्यूचर पे इंडिकेट कर रहे हैं उंगली उठा रहे हैं बहुत ही गलत चीज़ है यह दैट मीन्स ही इज एंटर इन हीज सोसाइटी देखिए अब सेकेंड थिंग ये है कि उनको बताया गया कि रिच सोसाइटी में उन्होंने कैसे एंटर किया कैसे एंटर किया देर वॉज अ मिस्टीरियस बेनिफैक्टर उनके लाइफ में एक मिस्टीरियस बेनिफैक्टर होता है लाइफ चेंज होती है कि आप हर उस इंसान को दिखा सकते हैं जिसने एक टाइम पर आपको डीमोटिवेट किया था आपको समझा नहीं था एक्चुअल में जो चल सिकेंस हैं उनका जो मोटिव होता है सोसाइटी में ऐसे पर्सनस को टारगेट करना होता है जो खुद हार्ड वर्क को नहीं समझते हैं और दूसरे के हार्ड वर्क को उसके पास्ट से क्रिटिसाइज़ करते हैं आई रिपीट दैट दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग नाव वी कम टू द टॉपिक ग्रेट एक्सपेक्टेशन वो आपको पता चल गया होगा कि एक गरीब लड़का एक ऑर्फन लड़का और जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है बट वो आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि सोसाइटी उस उसे बढ़ने नहीं देती बिकॉज ऑफ हिज पास्ट लेकिन उसके लाइफ में एक चेंज आता है जिसे पॉजिटिव चेंज कहते हैं और नाव ही एंटर इन हाई सोसाइटी हाई सोसाइटी ऐसे वैसे नहीं लंडन की हाइसी सोसाइटी चलिए टॉपिक पे आते हैं डेविड कॉपर डेविड कॉपर एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है जो कि लीव्स विद हिज मदर क्लैरा उनकी मम्मी का नाम मदर का नाम था क्लैरा अपने मम्मी, मदर के साथ रहते हैं क्लैरा बट इज़ लाइफ बैडली चेंज लेकिन जो डेविड होते हैं उनकी लाइफ पूरी तरह से बैडली चेंज हो जाती है क्योंकि हिज मदर री मैरिज टू अ पर्सन हु डिड नॉट डिजर्व इट उसकी मदर एक ऐसे पर्सन से शादी कर लेती है जिसके बाद वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है किसी की लाइफ को ये एज अ मदर एज अ फादर सबको सोचना चाहिए इस नोवेल का टारगेट ये है एम ये है कि अपने रीडर्स को बताते हैं ये कि ये सबको सोचना चाहिए कि हम अपनी खुशी तब देखें जब हम इंडिविजुअल हों जब हमसे कोई ब्लड रिलेशन में है तो हमें बहुत चीज़ें सोच समझ के जो भी आप कदम उठा रहे हैं स्टेप उठा रहे हैं उसको देखना चाहिए कि किस तरह से किया है तो इसमें आपको डेविड कॉपरफील्ड में जो कि 1850 में रिलीज़ हुई थी पब्लिश हुई थी उसमें यही बताया गया है कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है अवर म्यूचुअल फ्रेंड अवर म्यूचुअल फ्रेंड जो कि 1865 में हुआ था देखिए ये इनकम्प्लीट नॉवल है क्योंकि इसको कंप्लीट होने से पहले ही चार्ल चिकन की डेथ हो गई थी कब हुई थी 1870 में कब हुई थी? थी 1870 में लिखना कब स्टार्ट किया था सिक्सटी में पाँच साल से ज़्यादा का वक्त लग गया था लिखते लिखते ठीक है वाज इन इनकम्प्लीट एंड लास्ट नॉवेल ऑफ डिकेंस दैट स्टार्ट जॉन हेरमोन हुज प्रॉपर्टी विल रिटर्न हिम टू मैरी ऑफ अ गर्ल कुछ ऐसा इसमें सिचुएशन दिखाई गई है कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है कि जो हैरमोन होते हैं उनकी जॉन हेरमोन उनकी प्रॉपर्टी जो है आप कह सकते हैं इस तरह से ऑक्शन हो रहा होगा यानी कि ऑक्शन. आई डोंट नो वट इज द हिंदी मीनिंग इन ऑक्शन. ऑक्शन हो रहा होगा उनका नीलामी आई गॉट इट नीलामी कहते हैं तो नीलामी हो रहा होगा इस स्टोरी में तो उसमें यह कहा जाता है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब आपकी शादी एक पर्टिकुलर लड़की से होगी बट द ट्विस्ट इन दिस स्टोरी दैट दैट गर्ल वॉज फॉन डेड इन थेम्स रिवर उसकी बॉडी मिलती है थेम्स रिवर के पास जो कि डेड बॉडी होती है अब आगे क्या होगा कैसे होगा वो इसका एंड जो है किसी और राइटर ने किया है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि लिखा स्टार्टिंग किसी और ने की है और एंड किसी और ने किया है तो होप्सो कि ये जो अवर म्यूचुअल फ्रेंड है इस नोवेल से उन्हें बहुत ज़्यादा फेमस जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं वो और बहुत ज़्यादा उन्हें कामयाबी मिली क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा सा अलग नावल था नेक्स्ट है अ डिनर ऑन पॉपुलर वॉक देखिए अ डिनर ऑन पॉपुलर वॉक एक ऐसा नॉवेल है जो कि ह्यूमरस है हुम, आ, प्ले है क्योंकि उसमें यह कहा जाता है ओल्ड बैचलर एक वेल्दी ओल्ड बैचलर से सबसे पहली बात तो इसमें सरकार यही है कि ओल्ड बैचलर ओके ओल्ड बैचलर से कहा जाता है टू स्पेंड एन ईवनिंग विद डिसबल रिलेटिव टू गिव स्पीच आपको ऐसे रिलेटिव्स पे आ, के सामने जाके स्पीच देना है जो कि आपके सामने आना ही नहीं चाहते सो इट इज़ अ फनी सिचुएशन वी कैन अज्यूम ड्यूरिंग रीडिंग दिस लाइन सो होप सो कि क्या होगा जब हम इसको एक्चुअल में पढ़ेंगे तो ये था आपका डिनर ऑन पॉपुलर वॉक जो कि आपके चार्ल्स टिकन्स के जरिए लिखा गया था देखिए उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं बट वी चूज ऑनली इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड इंपॉर्टेंट नॉवल्स इंपॉर्टेंट लिटरेचर रिटन बाई हिम रिवाइज कर लेते हैं एक बार विक्टोरियन एज एज आई टोल्ड विक्टोरिया दैट इज फ्राम एटीन थर्टी सेवन टू नाइनटीन जीरो वन इस बीच में जो भी समय है उसको क्या कहते हैं विक्टोरियन एज कहते हैं इस बीच में जो भी लिटरेचर uh, और पोएम्स uh, um, लिखे गए वो विक्टोरियन एज पोएम्स कहलाते हैं ओके ऑलिवर ट्विस्ट इट सॉरी द पिकविक क्लब द पिकविक क्लब लिखा गया एटीन थर्टी क्स में जो कि लाइफ एक्सपीरियंस बताता है सैम्यूल पिकविक का लाइफ एक्सपीरियंस बताता है कि डिफरेंट लाइफ स्टेजेस कैसे कैसे चेंज होते हैं कौन कौन से लोग आते हैं क्या मोटिव होता है कैसे होता है कौन से साथ निभाने वाले होते हैं कौन से साथ छोड़ने वाले होते हैं कौन सा डीमोटिवेट करते हैं कौन सा हाँ बोल के साथ छोड़ देते हैं बहुत सारी चीजें इसमें एक्सपीरियंस की गई हैं होप्स हो कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ ओलिवर ट्विस्ट 1837 एटीन थर्टी सेवन लिख गए बिकेम ट्रेनी इन अंपनी ये एक ट्रेनी बन जाते हैं कंपनी में ट्रेनी मींस आई एज आई टोल्ड यू दैट ट्रेनी मीस अप्रेंटिक्स बन जाते हैं एक कंपनी में बट वहां भी यही होता है कि उनके पास्ट को लेकर कुछ ना कुछ वहां प्रॉब्लम होती है और बॉस के साथ उनका कुछ कंफ्लिक्ट होता है दैट दैट्स वाई ही हैड टू गो टू लंडन लंडन में जाके वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं क्रिसमस कैरल एज आई टोल्ड यू दैट क्रिसमस कैरोल इज स्टोरी ऑफ अ सेल्फिश पर्सन हुइक टू सेलिब्रेट क्रिसमस बट वन डे हिज नेफ्यू इन्वाइटेड हिम स्टिल ही रिफ्यूज दैट इन्विटेशन बाई हिज नेफ्यू अपने नेफ्यू अपने भतीजे द्वारा जो इन्विटेशन मिलता है क्रिसमस uh, के लिए वो उसे मना कर देता है क्रिसमस कैरल स्टोरी है ग्रेट एक्सपेक्टेशन देखिए आपको ये डेट जरूर याद रखनी है ये डेट्स आती हैं एग्जाम में और आपको याद रखना पड़ेगा चलिए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको बता दिया कि एक लड़का होता है उसका नाम पिप होता है पिप की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा कुछ उसके लाइफ में चल रहा होता है कि ऑर्फन होता है लेकिन रिच बन जाता है रिच बनने की जो उसका प्रोसेस होता है काफ़ी डिफरेंट होता है डिफरेंट मीन्स कि मिश्टीरियस बेनिफैक्टर होता है उसके लाइफ में मिस्टीरियस यानी कि कुछ ऐसा होता है रहस्य में बदलाव होता है जो कि उसने कभी नहीं सोचा था डैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इसलिए जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन्स कहा गया है और जिस इंसान को बहुत उल्टी सीधी बातें कही जाती थी वो कुछ नहीं कर सकता है बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या विदाउट uh, फैमिली है या होम है लैंड है जॉब नहीं है सिक्योरिटी नहीं है उसके बाद जब उसकी एंट्री होती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं चलिए नेक्स्ट आते हैं डेविड कॉपरफील्ड जो कि 1850 में लिखा गया था डेविड लीव्स विद हिज मदर क्लैरा अपनी मम्मी के साथ और मदर के साथ रहता है क्लैरा के साथ बट uh, उसकी लाइफ भी चेंज हो जाती है क्योंकि हिज मदर हिज मदर रीमैरिड टू अ पर्सन हु डिड नॉट डिज़र्व दैट वोमन एंड हिज मदर ऑल्सो डिड नॉट डिजर्व दैट मैन बट शादी हो चुकी होती है और इसका इफेक्ट किससे पड़ता है डेविड पर पड़ता है एज आई टोल्ड यू कि जब कुछ ब्लड रिलेशन में डिसीजन लिए जाते हैं तो वो हार्मफुल होते हैं बेनिफिशियल भी होते हैं लेकिन ये हमें आपको और जो भी ऐसा कदम उठाते हैं या सोसाइटी में जो भी लोग हैं हमें उनको रोकना चाहिए समझाना चाहिए बताना चाहिए ऐसा इसमें कहा गया है चलिए नेक्स्ट आते हैं अबर म्यूचुअल फ्रेंड अब म्यूचुअल में मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ अ इनकम्प्लीट स्टोरी ऑफ चार्ल्स टिकन्स उसमें उन्होंने ये कहा है कि जॉन हेरमॉन हैरमोन जॉन हेरमोन होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी उनको मिलने वाली होती है ऑक्शन के जरिए बट इसमें कंडीशन ये होती है आपकी जिस लड़की की शादी होगी उसके जरिए आपकी वो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी लेकिन आगे ये होता है कि उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है थेम्स रिवर के पास ओके लास्ट अ डिनर ऑन पॉपुलर वर्क डिनर ऑन पॉपुलर वर्क इज़ अ स्टोरी और यू कैन से दैट अ ह्यूमरस स्टोरी दैट इज़ अ शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सरकैजम एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉमेडी दैट बॉय has to leave लीव और has to deliver डिलीवर speech to the persons who didn't लाइक like हिम and हु आर डिस एग्रेबल रिलेटिव फॉर हिम ऐसे रिश्तेदार जिनके आगे वो जाना तक नहीं चाहता है जो रिश्तेदार उनके पास नहीं आना चाहते हैं उसके सामने उसको एक स्पीच देना होता है आपको इसमें यह कहा गया होप्सो कि आपको ये क्लियर होगा चार्ल की जो हमने वर्क एट ग्लांस देखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो चार्ल्स चिकन में जो हमने उसकी लाइफ पे जो स्टोरी बनाई थी दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है दोनों ही डाल दिया है आप उन दोनों पीडीएफ को देखिएगा दोनों लिंक को देखिएगा कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं सो होप सो कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखते हैं और उसके आगे बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास इट इज़ अ टॉपिक रिलेटेड टू द पी इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश मींस यूपी पीजीटी में भी आता है और आपके एन में भी आ सकता है के में भी आ सकता है तो वी मस्ट कनेक्ट टू दीज काइंड ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन अवर डेली लाइफ इफ़ यू आर अ एम ए इंग्लिश स्टूडेंट और एम ए इंग्लिश कैंडिडेट सो होप सो कि ये जो भी बताया है आपको क्लियर होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक पढ़ते रहिए अपना ख्याल रखिए और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर भेजिए थैंक यू